अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट कंपेयर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाबर आजम और जोए रूट का टेस्ट ओडीआई और T20 क्रिकेट में बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। आपको जिस बल्लेबाज का बैटिंग रिकॉर्ड ज़्यादा पसंद आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाबर आजम वर्सेस जोए रूट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बाबर आजम 1994 को पाकिस्तान में पैदा हुए, जबकि जोए रूट 1990 को इंग्लैंड में पैदा हुए। बाबर आजम की उम्र 26 साल और हाइट है 5 फीट 10 इंच, जबकि जोए रूट की उम्र 30 साल और हाइट है 6 फीट। बाबर आजम का वेट है 62 kg, जबकि जोए रूट का वेट है 70 kg। बाबर आजम राइट हैंड बैट्समैन है, जबकि जोए रूट भी राइट हैंड बैट्समैन है। बाबर आजम 6 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि जोए रूट 9 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट बैटिंग कंपैरिजन। बाबर आजम ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, जबकि जोए रूट ने 2012 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। बाबर आजम ने 33 टेस्ट मैच खेले, जबकि जोए रूट ने 105 टेस्ट मैच खेले। बाबर आजम ने 59 बारी खेलकर 2169 रन बनाए, जबकि जोए रूट ने 193 बारी खेलकर 8714 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 42.53, जबकि जोए रूट की बैटिंग एवरेज है 48.68। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 56.43, जबकि जोए रूट का स्ट्राइक रेट है 54.69। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 143, जबकि जोए रूट का बेहतरीन स्कोर है 254। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने 5 सेंचुरियाँ और 16 फिफ्टियाँ बनाईं, जबकि जोए रूट ने 20 सेंचुरियाँ और 49 फिफ्टियाँ बनाईं। बाबर आजम ने 258 चौके लगाए, जबकि जोए रूट ने 962 चौके लगाए। बाबर आजम ने 10 छक्के लगाए, जबकि जोए रूट ने 25 छक्के लगाए। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम 8 बार नॉट आउट, जबकि 7 बार जीरो पर आउट हुए। जोए रूट 14 बार नॉट आउट, जबकि 8 बार जीरो पर आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने 0 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि जोए रूट ने 11 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। बाबर आजम की करंट ICC टेस्ट रैंकिंग है नंबर 11, जबकि जोए रूट की करंट ICC टेस्ट रैंकिंग है नंबर 5। ओडीआई बैटिंग कंपैरिजन। बाबर आजम ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, जबकि जोए रूट ने 2013 में इंडिया के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। बाबर आजम ने 80 ODI मैच खेले, जबकि जोए रूट ने 152 ODI मैच खेले। बाबर आजम ने 78 बारी खेलकर 3808 रन बनाए, जबकि जोए रूट ने 142 बारी खेलकर 6109 रन बनाए। ODI क्रिकेट में बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 56.80, जबकि जोए रूट की बैटिंग एवरेज है 51.30। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 88.72, जबकि जोए रूट का स्ट्राइक रेट है 86.80। ODI क्रिकेट में बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 125, जबकि जोए रूट का बेहतरीन स्कोर है 133। ODI क्रिकेट में बाबर आजम ने 13 सेंचुरियाँ और 17 फिफ्टियाँ बनाईं, जबकि जोए रूट ने 16 सेंचुरियाँ और 35 फिफ्टियाँ बनाईं। बाबर आजम ने 342 चौके लगाए, जबकि जोए रूट ने 491 चौके लगाए। बाबर आजम ने 35 छक्के लगाए, जबकि जोए रूट ने 44 छक्के लगाए। ODI क्रिकेट में बाबर आजम 11 बार नॉट आउट, जबकि 2 बार जीरो पर आउट हुए। जोए रूट 23 बार नॉट आउट, जबकि 5 बार जीरो पर आउट हुए। ODI क्रिकेट में बाबर आजम ने 9 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि जोए रूट ने 10 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। बाबर आजम की करंट ICC ODI रैंकिंग है नंबर 1, जबकि जोए रूट की करंट ICC ODI रैंकिंग है नंबर 14। T20 बैटिंग कंपैरिजन। बाबर आजम ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू किया, जबकि जोए रूट ने 2012 में इंडिया के खिलाफ T20 डेब्यू किया। बाबर आजम ने 54 T20 मैच खेले, जबकि जोए रूट ने 32 T20 मैच खेले। बाबर आजम ने 52 बारी खेलकर 2035 रन बनाए, जबकि जोए रूट ने 30 बारी खेलकर 893 रन बनाए।
टी20 क्रिकेट में बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 47.33 जबकि जे रूट की बैटिंग एवरेज है 35.72। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129.70 जबकि जे रूट का स्ट्राइक रेट है 126.30। टी20 क्रिकेट में बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 122 जबकि जे रूट का बेहतरीन स्कोर है 90। टी20 क्रिकेट में बाबर आजम ने 1 सेंचुरी और 18 50 बनाई जबकि जे रूट ने 5 50 बनाई। बाबर आजम ने 209 चौके लगाए जबकि जे रूट ने 92 चौके लगाए। बाबर आजम ने 28 छक्के लगाए जबकि जे रूट ने 16 छक्के लगाए। टी20 क्रिकेट में बाबर आजम 9 बार नॉट आउट जबकि 2 बार 0 पर आउट हुए। जे रूट 5 बार नॉट आउट जबकि 2 बार 0 पर आउट हुए। टी20 क्रिकेट में बाबर आजम ने 6 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया जबकि जे रूट ने 2 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। बाबर आजम की करंट ICC टी20 रैंकिंग है नंबर 3 जबकि जे रूट की करंट ICC टी20 रैंकिंग है नंबर 50+। अब हम इन दोनों बल्लेबाजों का टेस्ट ODI और टी20 क्रिकेट में एक साथ बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि बाबर आजम ने 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू किया जबकि जे रूट ने 2012 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। बाबर आजम ने टोटल 167 इंटरनेशनल मैच खेले जबकि जे रूट ने टोटल 289 इंटरनेशनल मैच खेले। बाबर आजम ने 189 बारी खेलकर 8012 रन बनाए जबकि जे रूट ने 365 बारी खेलकर 15716 रन बनाए। ओवरऑल बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 49.76 जबकि जे रूट की बैटिंग एवरेज है 48.60। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 82.56 जबकि जे रूट का स्ट्राइक रेट है 70.07। बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 143 जबकि जे रूट का बेहतरीन स्कोर है 254। इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल बाबर आजम ने 19 सेंचुरियां 51 50 बनाई जबकि जे रूट ने 36 सेंचुरियां 89 50 बनाई। बाबर आजम ने 809 चौके लगाए जबकि जे रूट ने 1545 चौके लगाए। बाबर आजम ने 73 छक्के लगाए जबकि जे रूट ने 85 छक्के लगाए। ओवरऑल बाबर आजम 28 बार नॉट आउट जबकि 11 बार 0 पर आउट हुए। जे रूट 42 बार नॉट आउट जबकि 15 बार 0 पर आउट हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल बाबर आजम ने 15 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया जबकि जे रूट ने 23 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।